स्मृति ईरानी जब जेएनयू के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से बोल रही थी तो तथ्यों का पुट तो था ही, साथ ही भावनाएं भी प्रबल थी। तभी तो स्मृति को अटल बिहारी वाजपेयी याद आए। अटल की कविता की भावनाएं जिसमें देशभक्ति भरी होती थी, स्मृति ने भी अटल जी की उसी कविता को सदन में सुनाया और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। प्रश्न ये उठता है, जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा, उन्होंने समर्थन किया इंदिरा जी का, दुर्गा का उन्हें स्वरूप माना, जब राष्ट्र के वैभव के लिए इंदिरा गांधी ने कहा कि जाओ और इंसानियत की रक्षा करो। आज मैंने देखा, दे से पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। सुगता बोस जी जब अपना भाषण दे रहे थे, एकेडमिकली बहुत अच्छा भाषण है, मैं भी सराहना करती हूं, तो सोनिया जी राहुल जी दे वर लाइक कंपेल्ड, दे शुड, वी ऑल शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, shook his hand. I only wished that Dr. Bose was here to gift them a book called Dead Reckoning by Sharmila Bose. Who is Sharmila Bose? Dr. Bose's sister, a renowned historian. And in the Dead Reckoning, she writes that the Bangladesh Liberation War was a fallacy. That the Pakistani army never did anything to the Bangladeshis that Indira Gandhi went to support. इसलिए आज प्रश्न ही उठता है कि सत्ता तो इंदिरा गांधी ने भी खोई थी, लेकिन उनके बेटे ने कभी भारत की बर्बादी के नारों का समर्थन नहीं किया था। इसलिए मेरा आग्रह दुर्भाग्यपूर्ण है, वेंकैया जी ने जो कहा कि कई बच्चों की मृत्यु हुई, 2012 में ही रेगुलेशन बना था यूजीसी का कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर हर यूनिवर्सिटी के कैंपस पर हो। हमने वाइस चांसलर्स की मीटिंग बुलाकर आग्रह किया और उन्होंने स्वीकार किया कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर हर कैंपस में होगा। हमने जुडिशियल कमीशन बनाया, उन बच्चों को तो न्याय नहीं मिला जिन्होंने प्राण त्यागे जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, लेकिन हमने पक्षपात की राजनीति नहीं की। हमने कहा न्याय हो, दोषी जो है उसको सूली पर चढ़ाओ। हमने जुडिशियल कमीशन बनाया, एहसान नहीं किया, न्याय किया, कोशिश की। ये कोशिश मैं हर दिन करती हूं। मेरा आग्रह है सबसे कि अगर हम शिक्षा को रणभूमि बनाएंगे, बच्चों को वोट बैंक बनाएंगे, तो जेएनयू के कुछ भटके हुए छात्र तो क्या नारा देंगे, लेकिन इस देश को बर्बादी के कगार पर वो राजनीति ले जाएगी जो एक बच्चे की मृत्यु को भी राजनीतिक अवसर बनाकर इस्तेमाल करती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जहां न्याय है उस न्याय को अपना काम करने दो, जहां पुलिस है उस पुलिस को अपना काम करने दो। आज मैं आह्वान करती हूं, अगर राहुल गांधी स्वयं मुझसे कहते कि स्मृति ईरानी चलिए हम दोनों मिलकर जेएनयू के छात्रों को कहे कि जिस भारत की बर्बादी के तुम नारे दे रहे हो, जिस तिरंगे को लहराने से तुम्हें शर्म आती है, उसी जेएनयू के कुछ ऐसे छात्र हैं
जिन्होंने सरहद पर अपने प्राणों को त्यागा ताकि तुम आजाद हिंदुस्तान में बर्बादी के नारे दे सको। लेकिन राहुल जी ने ऐसा नहीं किया। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जहां जहां आपको लगता है चुनौती है, आज आपने कहा एससी एसटी के बच्चे फैकल्टी होनी चाहिए, यही निवेदन मैंने सभी वाइस चांसलर से किया। मैंने आई हैव माई सेल्फ रिक्वेस्टेड टू एवरी वाइस चांसलर दैट लिसन टू ऑल चिल्ड्रन एवरी यूनिवर्सिटी विच फंक्शंस अंडर द एजेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिसन टू चिल्ड्रन फॉर दे कम विद देयर इमोशनल लेगेसीज एंड देयर सोशल चैलेंजेस एंड इट इज इनकम्बेंट अपॉन अस टू प्रोवाइड देम रेफ्यूज एंड अ प्रोडक्टिव लाइफ। माई रिक्वेस्ट इज हेल्प मी बिल्ड दिस नेशन एंड नॉट डिस्ट्रॉय इट फ्रॉम विद इन। थैंक यू मैडम स्पीकर।